हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर क्लास टेंथ सिविक्स का। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक चैप्टर का नाम समझ में नहीं आएगा ना, बाकी की कहानी तो भूल ही जाओ। चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, तो पहले ये समझ लो कि फेडरलिज्म होता क्या है। देखो, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग ना दो टाइप्स की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, एक होती है वर्टिकल पावर शेयरिंग। जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, हॉरिजॉन्टल मतलब सब सेम लेवल पे। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में ना देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और थर्ड आता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाना, लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव, जिसमें IAS, IPS, कलेक्टर और बड़े बड़े लोग आते हैं, उनका काम क्या है? उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना। और किसी ने अपनी डेढ़ अक्कल लगाई और उन लॉज को फॉलो नहीं किया तो फिर मामला चले जाता है जुडिशरी के पास, जिसमें आते हैं कोर्ट्स। तो ये तो था हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है ना, उसी को फेडरलिज्म कहते हैं। अब ये वर्टिकल पावर शेयरिंग होता क्या है? देखो, ऐसा है कि गवर्नमेंट के एक ही लेवल पे अगर सारी की सारी पावर दे दी जाए तो क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए क्या करते हैं, सारी की सारी पावर एक लेवल पे ना डाल के थोड़े थोड़े लेवल्स पे अलग अलग पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन बना देते हैं। तो ऐसा वाला जो सिस्टम होता है ना, जहाँ पे एक लेवल के पास थोड़ी पावर्स हैं, दूसरे लेवल के पास थोड़ी पावर्स हैं, तीसरा लेवल होगा तो उसके पास अपना अलग सिस्टम है, तो ये वाला जो सिस्टम होता है जिसमें वर्टिकली पावर का डिवीजन होता है, इसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। अब मैं तुम्हें ना फेडरलिज्म की एक सिस्टमेटिक सी डेफिनेशन बता देती हूँ। डेफिनेशन ये कहती है, अ फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटीज। मतलब कि सेंट्रल की अपनी पावर्स है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनकी अपनी पावर्स है, और हाँ, किसको कौन सा काम देखना है, इसकी ना एक लिस्ट बनी हुई है, उसके बारे में हम वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। वैसे अगर मोटे तौर पे समझा जाए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। वो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ों में डील करती है, जैसे डिफेंस, करेंसी और ये सब। स्टेट गवर्नमेंट्स डे टू डे एक्टिविटीज़ में डील करती है। और हमारा जो इंडिया है, इतना बड़ा साइज है, पॉपुलेशन को मैनेज करना है, तो इसलिए हमारे यहाँ ना तीन लेवल चलते हैं। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे को कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आते हैं ये ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज और ये सब। तो उनके सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं, और ये सब किसने डिसाइड कर रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिन लोगों ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, बड़े दिमाग वाले लोग थे। सब कुछ सिस्टमेटिकली लिख दिया उन्होंने कि भैया ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, शांति से अपने अपने काम करो, कोई झगड़ा पालने की, टेंशन पालने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर बाय चांस किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई स्टेट गवर्नमेंट को नहीं समझ में आए, कल को वो बोलने लग जाए कि नहीं मेरी पावर का तो मिसयूज हो रहा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलने लग जाए कि नहीं मैं इस चीज़ में डील करूंगा, तो इन सब चीज़ों को संभालने के लिए ना ऊपर वाला सब देख रहा है। और ऊपर वाला बोले तो कौन? हमारा ज्यूडिशरी सिस्टम। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा पावर शेयरिंग की दो एग्जाम्पल्स। एक बेल्जियम में भी पावर शेयरिंग हुई थी और एक श्रीलंका में भी हुई थी। बेल्जियम में क्या हुआ था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और उसके अलावा रीजनल गवर्नमेंट्स थी। तो पहले क्या था कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी ना, वो बना तो दी गई थी, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती थी। 1993 में ना इसको चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, रीजनल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग काम करेंगी। इसका मतलब बेल्जियम जो है 1993 में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से शिफ्ट हो गया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अभी यूनिटरी और फेडरल तो मैं तुम्हें समझा दूंगी, इसके पहले ये बात याद रखना, 1993 देश का नाम बेल्जियम कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ, यूनिटरी से फेडरलिज्म की तरफ। यूनिटरी समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। यूनिटरी मतलब क्या? यूनिट मतलब क्या? एक। इसका मतलब एक ही लेवल पे गवर्नमेंट की सारी पावर्स वहीं के वहीं। मतलब कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, उनके विचारों की कोई वैल्यू ही नहीं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थोड़ा अलग चलता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। पहला डिफरेंस तो क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही लेवल होता है, उसी के पास सारी पावर, उसी के पास सारी अथॉरिटीज।
फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूजुअली दो लेवल्स होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे इंडिया में। तो फेडरलिज्म अगर है तो गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी, ऐसे उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और ये जो सारे पार्ट्स हैं ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इनके काम, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको क्या क्या मैटर्स पे डील करना है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइंड है। बाई चांस अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए है जुडिशरी, मतलब कोर्ट्स। और ये दोनों ही लेवल्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, काम अपने अपने कर रहे हैं, बट येस दे आर एंसरेबल टू पीपल। बट यूनिटरी गवर्नमेंट में ना ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। ये यूनिटरी और फेडरल सिस्टम में एक डिफरेंस और है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपने नीचे वाली गवर्नमेंट्स को, बोले तो स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट्स को ऑर्डर पास कर सकती है, बट फेडरेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अब हम पढ़ने वाले की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, मतलब कुछ खास चुनिंदा बातें फेडरलिज्म की। और हाँ, इस पे ना क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो इन बातों को याद रखना। 7 फीचर्स हैं। फीचर नंबर 1, फेडरलिज्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट के ना दो या दो से ज्यादा लेवल्स हो सकते हैं, यूजुअली दो तो होते ही है। फीचर नंबर 2, ये जो लेवल्स हैं, जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स हैं, दे रूल सेम सिटीजन। अब जैसे मान लो तुम एमपी में रहते हो, तो एमपी के जब इलेक्शंस होंगे तो तुम्हारे पापा वोट करने जाएंगे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे तो भी पापा वोट करने जाएंगे। कहने का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है वो भी हम पर इम्प्लीमेंट होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है वो भी हमें फॉलो करने होते हैं। हालांकि कौन किस बारे में रूल बनाएगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। फीचर नंबर 3, अब ये जो अलग अलग लेवल्स हैं इनके एग्जिस्टेंस की गारंटी ना कॉन्स्टिट्यूशन देता है। एग्जिस्टेंस की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, मतलब कि इनकी क्या पावर्स हैं, उनको वो किस दायरे तक यूज कर सकते हैं, उनका अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। फीचर नंबर 4, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जिसको कहते हैं फंडामेंटल फीचर्स, वो ना सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं चेंज कर सकती। और पहली बात तो ये चेंज किया ही नहीं जा सकता, फिर भी अगर कुछ चेंज करना है बेसिक लेवल पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो इतनी अथॉरिटी नहीं है कि चलो भाई हम सेंट्रल में है तो हम इसको चेंज कर देते हैं। उनको स्टेट गवर्नमेंट से भी कंसेंट लेनी पड़ेगी, मतलब दोनों लेवल्स जितने भी हैं वो सब मिलके ही डिसाइड करेंगे कि ये चेंज होना भी चाहिए या नहीं। फीचर नंबर 5, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, बाय चांस किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कौन इंटरप्रेट करेगा कि किसकी पावर कौन सी है, ऊपर वाला। ऊपर वाला बोले तो जुडिशरी, मतलब कोर्ट्स हैव राइट टू इंटरप्रेट द पावर्स ऑफ ईदर स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फीचर नंबर 6, बात आ गई है लक्ष्मी जी की, बोले तो पैसों की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना साफ साफ लिखा है कि कौन कहाँ से कितनी रेवेन्यूज इकट्ठी कर सकता है, तो इस बारे में कोई परेशानी की बात नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ से रेवेन्यू मिलेगी उसका अलग दायरा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना है उसका अलग सिस्टम है। अब ये जो फेडरलिज्म है ना, इसका 7वां फीचर सुनो, इसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव मतलब दो पर्पस एक साथ सॉल्व करते हैं। एक तो क्या कि हमारे देश में यूनिटी भी बनी रहे, एट द सेम टाइम डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट किया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि यूनिटी बनाने के चक्कर में तुम डाइवर्सिटी की तरफ ध्यान ही नहीं दो। ऐसा किसने किया, श्रीलंका वालों ने। देश में यूनिटी तो बना ली बट डाइवर्सिटी पे ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा न हो इसके लिए जो इंडियन फेडरलिज्म वाला सिस्टम है वो बेस्ट है। हमारे यहाँ यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी भी है। अब देखो, ये जो हमने फेडरलिज्म पढ़ा, इंडिया में हमने फेडरलिज्म अपना भी लिया, इसके ना 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि ये सब करके हमने हासिल क्या किया। सबसे पहला तो ये कि गवर्नमेंट के जो लेवल्स हैं दे अग्रीड कि हाँ भाई ये जो पावर शेयरिंग है इससे हम खुश हैं। इसका मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर्स हैं, और उन लोगों ने म्यूचुअली अग्री किया इस बात पे कि हाँ हम हमारी पावर से, हम हमारे ज्यूरिसडिक्शन से खुश हैं, तभी तो हम देश में शांति से रह पा रहे हैं ना। दूसरा, ये जो फेडरलिज्म है ना, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो क्या, म्यूचुअल ट्रस्ट, कि भाई हम लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते हैं, गवर्नमेंट हमको ट्रस्ट करती है। और दूसरा, प्रॉमिस टू लिव टुगेदर, मतलब इस ट्रस्ट के साथ हमारी इच्छा है
कि हाँ भाई हम सब साथ में रहेंगे। अब देखो ये दुनिया ना बहुत बड़ी है, अब इतनी बड़ी दुनिया में ना बहुत सारे देश भी हैं, और उन बहुत सारे देशों में कुछ देशों ने ये फेडरलिज्म वाला सिस्टम अडॉप्ट किया। अब ये जो फेडरलिज्म वाला सिस्टम है ना, ये भी दो टाइप्स का है, एक है कमिंग टुगेदर और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। अब किस कंट्री ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया, ये कुछ हद तक ना उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि कमिंग टुगेदर सिस्टम क्या होता है। कमिंग टुगेदर सिस्टम में क्या होता है कि पहले बहुत सारे रीजन्स थे, टेरिटरीज थी, वो सब साथ में आई सिक्योरिटी पर्पज से, और उन सब ने सोचा कि हम सब साथ में मिलके ना एक रीजन बना लेते हैं, और एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और हम सबकी अपने अपने लेवल पे एक 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 अपनी टेरिटोरियल या रीजनल गवर्नमेंट भी होगी। तो ये वाला जो सिस्टम है जिसमें छोटी छोटी टेरिटरीज ने साथ में आने का सोचा और फेडरेशन बनाया, इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर। ये वाला जो सिस्टम है ये मिलता है यूएस में, यूएस का नाम ही क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहाँ क्या है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब ये जो कमिंग टुगेदर वाला सिस्टम होता है ना, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास इक्वल पावर्स होते हैं। अब ये जो होल्डिंग टुगेदर वाला सिस्टम है, इसमें क्या होता है, एक बड़ी कंट्री होती है, वहाँ की गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स बनाई और उनको पावर्स दे दी। तो ये वाला जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम में ये होल्डिंग टुगेदर वाला सिस्टम चलता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंपैरेटिवली स्टेट गवर्नमेंट से अगर कंपेयर करोगे, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपेयर करोगे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी पावर्स ज़्यादा होती है। अब देखो हमने पढ़ा कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, कुछ तो ऐसी बातें होंगी ना जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ इंडिया एक फेडरल कंट्री है। कहने का मतलब, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ये क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन आता है ये तो बहुत अच्छी बात है, उसका आंसर भी आना चाहिए ना। तो आंसर में तुम लिखोगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो इंडिया को कैसे डिफाइन करता है। इंडिया को डिफाइन किया जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे ही ये यूनियन ऑफ स्टेट्स काम करता है। और फेडरलिज्म का एक की फीचर क्या होता है कि उसमें गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं। तो इंडिया में भी गवर्नमेंट के लेवल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। हालांकि पहले ना ये लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम नहीं था, राजस्थान ऐसी पहली स्टेट थी जिसने ये ग्राम पंचायत और लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, बाद में सारे स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसमें तीन टायर्स है, इसको आप थ्री टीयर्स भी कह सकते हो। सबसे पहला कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये जो थ्री टायर्स बने हुए गवर्नमेंट के, जो फेडरलिज्म के हिसाब से बने हुए, इसका मतलब कि इनकी अपनी अपनी पावर्स हैं, इनका अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन है। तो इस चीज़ को संभालने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ना थ्री फोल्ड लिस्ट बना रखी है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि लेवल भी तीन, लिस्ट भी थ्री फोल्ड, तो बेटे जान थोड़ा सा अलग है। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि पहली लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की होगी और तीसरी लोकल गवर्नमेंट की होगी, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट बोले तो इसमें ऐसे सारे काम लिखे गए जिन पे लॉज बनाना, पॉलिसी बनाना, ये सब कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये काम कैसे, ये काम है नेशनल इंटरेस्ट के, बोले तो डिफेंस, एक्सटर्नल, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, बैंकिंग, इन सब चीज़ों में डील करता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो यूनियन लिस्ट है ना, इसमें ऐसे 97 सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं जिस पे डील करने का, जिस पे लॉज बनाने का राइट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट बोले तो उसमें ऐसे सारे सब्जेक्ट्स मेंशन हैं जिन पे लॉज कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। और वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं, एग्रीकल्चर, पुलिस, ट्रेड, इरिगेशन, इन सब मामलों में कौन डील करेगा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट। अब थर्ड लिस्ट जो है उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, बट ये जो दोनों लॉज बने ये आपस में क्लैश करते हैं, मतलब एक लॉ कहता है कि ऐसा करो और दूसरा लॉ कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, तो किसकी चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की,
क्योंकि हमारा जो इंडियन फेडरलिज्म सिस्टम है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी सी पावर्स ज़्यादा दी गई हुई है। कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स ना क्या क्या हैं, जैसे मैरिज, एडॉप्शन, एजुकेशन, फॉरेस्ट, इन सारे मामलों पे स्टेट गवर्नमेंट भी राइट रखती है लॉ बनाने का और सेंट्रल गवर्नमेंट भी राइट रखती है लॉ बनाने का। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तब उन सब्जेक्ट्स का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, बाद में ऐसे नए नए सब्जेक्ट्स आते गए, तो इन सब के लिए ना एक रेसिडुअल लिस्ट बनी हुई है। मतलब अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीनों लिस्ट में कहीं है ही नहीं तो उसको कहाँ डाल दिया गया, रेसिडुअल लिस्ट में। जैसे इंटरनेट, तुम्हारे दादाजी के ज़माने में ये फेसबुक, ट्विटर ये सब नहीं थे ना, ये तो अभी अभी आए। इसका मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब ये सब्जेक्ट्स थे ही नहीं, तो जब ये सब्जेक्ट्स ही नहीं थे तो इनको किसी लिस्ट में डाला ही नहीं गया। बट अब क्योंकि ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं तो इनके लिए हमने एक बना दी रेसिडुअल लिस्ट। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, बोले तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और फिर उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट्स हैं। काश कि ये इतना सिंपल होता तुम्हारी लाइफ कितनी आसान होती। बट जिसने तुम्हारी सिविक्स की बुक लिखी ना, बोले तो NCERT वालों, उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि तुम्हारी लाइफ इतनी ईजी और इतनी आसान बनी रहे। तो उन्होंने क्या किया, ये जो स्टेट गवर्नमेंट वाला है ना इसको थोड़ा और डिटेल में समझाया, बट चिंता मत करो मैं हूँ ना तुम्हारी लाइफ को आसान बनाने के लिए। देखो ऐसा है कि जितनी भी सारी स्टेट्स हैं ना इनमें से कुछ स्पेशल स्टेट्स का राइट दिया गया इनको, बोले तो ये स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला है। ऐसा क्यों किया गया, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, जैसे मेघालय, नागालैंड ये स्पेशल स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब एक होता है, एक रीजन ऐसा भी होता है जिसको आप स्टेट बना ही नहीं सकते, बहुत छोटू सा चुन्नू सा रीजन है, उसको स्टेट बोलने में ही आपको शर्म आ जाएगी। तो इनको क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज को कौन कंट्रोल करता है, ऊपर वाला, बोले तो ऊपर वाला लेवल, बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसा है कि जो स्टेट लेवल पे जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो कहीं कम कहीं ज़्यादा है। अब देखो हमारे देश का जो जुडिशरी सिस्टम है ना बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये देखता रहता है कि हर कोई, हर स्टेट गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट का हर ऑर्गेनाइजेशन, बोले तो एक एक बंदा इस देश का, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और बाय चांस कोई डिस्प्यूट हुआ तो कौन संभालेगा उसको, या तो हाई कोर्ट्स और नहीं तो सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब देखो ऐसा है कि जीवन जीने के लिए ना ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है लक्ष्मी जी, बोले तो पैसा। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना ऐसा प्रोविज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए हमारे ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। वैसे देखो ऐसा है कि पैसे की ज़रूरत तो मुझे भी पड़ती है, तो इसके लिए तुम एक काम करो, क्या करो, इस वीडियो को खूब देखो, खूब लाइक करो, खूब शेयर करो और धड़ल्ले से कमेंट करो। अब ये जो कहानी है ना ये सिर्फ अभी फर्स्ट पार्ट है, आगे की कहानी आगे के वीडियो में। बाय बाय।